यशू की कभी का पार्टी स्टेप चला जाएगा और वो लेट हो चुकी है और पीछे ये हाल है अभी और हम बहुत लेट हो चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्दी पहुंच जाए और मैं अभी अपना आउटफिट पहन ली यार मैसेज आ रहा है सोमू भैया को नहीं उनको बता दो ना उनका बता दो सवा 11 का मन बनाओ 12 का बनाना इसके कहने का मतलब ये है कि मैं मेकअप के बाद वीडियो शूट करूं लेकिन नहीं रियलिटी तो यही है तो वो फिर करिएगा पूरा चूड़ी कैसी लग रही है तो बहुत अच्छी वो यही वाली मेकअप नहीं कर रही हूँ नहीं अभी करेंगे सबको चूड़ी बहुत अच्छी है ना सुंदर मैं लहंगे के साथ बोली तो ये अच्छी लगी बोले नहीं ये समझ गए बहुत सुंदर लग रहा है अच्छा पता है उसमें जो फोटो भेजती थी ये बहुत नहीं दिखता सिर्फ ये बॉर्डर दिखती तो प्लेन दिखती मैंने मेरी ज्वेलरी खो दी और मैं कुछ भी जो मैंने सोचा था मैं वो नहीं पहन पा रही हूँ पहना तो मैंने जो सोचा तो था की एक और रखना नहीं नहीं मैं वहीं जाके पहन रही हूँ तो मेरा ये लुक है आई होप आप लोगों को पसंद आए बेसिक कलर और ये है मेरी ब्राइडल आई होप बहुत शी इज लुकिंग डाउन प्रीटी डाउन सो आज हम हमारी ब्राइड टू से पूछते हैं कि उसको कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है शेकी बहुत नर्वस अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है एंड
साथ इसकी पहले बोली है उसके बाद सगाई है, तो इसका सगाई में इसका हम लोग साड़ी चेंज करके लहंगा लाएंगे और शीज लेकिन डायबिटी नजर ना लगे कारण निकल गया। तो हम हमारी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, डेस्टिनेशन पे आ गए हम सब जा रहे हैं। और आप मेरी छोटी बहन शैली से नहीं मिली जिसकी लास्ट ईयर शादी हुई तो हम सब जा रहे हैं। वी आर नॉट ट्विंस मैं से एक साथ हूं या बट मेरी शादी नहीं ली अभी तक, तो अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। हां, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें करने को नहीं मिली हैं, कि जैसे कि जूता चुराई नहीं करने को मिली है, होली में साथ में बैठने को नहीं मिला, तो मैं वेट कर रही हूं कि कब इसकी शादी होगी और ये जूता चुराई करेगी। भले मेरी शादी होगी बट मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। चले, ये है मेरे अंकल चाचा, मेरे फेवरेट चाचा। आपको पता है तो ये है मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे बेको और ये है नेहल, और इन सबसे हम बाद में मिलवाते हैं आपको। अभी हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं, यशु को बहुत गुस्सा हो रहा है, सो हम आपसे बाद में मिलते हैं। वेन्यू पे जा रहे हैं हमारे, सही है। और चलो आपको भी लेके चलते हैं, और मुझे उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, आप लोग इसे एंजॉय कर पा रहे हो। नहीं कैसी फीलिंग आती है दुल्हन बने, बता दो जल्दी से। कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मेरी हार्ट भी कुछ थोड़ी बड़ी मेरे को मेरी भी बढ़ रही है, मुझे अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा है। बाहर पांच सब तो नटखट छोटी बहन तनु से मिलाते हैं। से हाय हाय, और आधा वीडियो मेरा यही बनाएगी। होय शकी, कैसा लग रहा है तुम्हें? जरूर देखना, और क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट, पूरा बोलो, डू शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ये है साक्षी, ये भी मेरी छोटी बहन है, इससे छोटी है, हालांकि ये छोटी लग रही है ज्यादा। ये हमारी बुआ है और ये अभी तक तैयार नहीं हुई है, देखिए चलो। और ये है मेरी बड़ी बुआ, हाय करो, हाय। अभी बात तैयार हो रही है, और यहाँ पे छोटी बुआ है जो छोटी बुआ अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। मोनावासी, ये मेरी मोनावासी, हाय हाय करो। और ये मेरे वीडियो रोज देखती है और सबको बोलती है लाइक शेयर कमेंट सब जरूरी है और लाइक भी करती है मेरे हर वीडियो। तो यहाँ पे सब रेडी है, तुम्हें नहीं मिले रहता ना, तुम नहीं खा सकती, तुमको अलाउड नहीं है खाना। क्यों देंगे तुमको? हाँ नहीं नहीं क्यों दे, तुमको एंकरिंग करनी है ना।
प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अभी लगने वाली है, बहुत बोल रहा है मेरी संपर्क चले आज भाई गेम नहीं अब होगी दीजिए दीजिए क्या चाहिए पहले बताओ क्या चाहिए तुम्हें क्या चाहिए सनफीस्ट सनफीस्ट तो है ही नहीं इसमें कुकीज है क्या करोगी इस बारे में मेरी जब भी मेरी शादी होगी मेरे टिकटॉक के वीडियो सुनने बनाई तो देना हाँ ब्लॉग के वीडियो ये 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 हाँ यूट्यूब में अरे डांस बिगाड़ने वाली मैं आप सबको बता दूँ डांस परफॉर्मेंस है और ये इसमें कर रही है पूरा डांस बिगड़ने वाला है ये मैं अभी बता रहा हूँ दैट्स नॉट राइट ऐसी डांस करेगी ये नहीं दैट्स नॉट राइट शी विल डू बेस्ट है ना शी विल डू हर बेस्ट व्हाट शी आई विल शो यू ऑन द स्टेज या शी विल लेट्स सी शी विल कितना बिगाड़ती है हंसना मत चीयर चॉकलेट होता है ना वो दीदी मैं ये कह रहा हूँ कि दीदी का मेकअप हो चुका है भाई हो गया ना दीदी का मेकअप हो चुका है और दीदी के स्पॉट्स हैं वो छुप गए पास लिखा ये देखिए सारे इसके और दीदी ने खुद से मेकअप किया है इसके ब्लैक स्पॉट्स थे तो व्हाइट हो गए हम लोग अभी वेन्यू से वापस घर आए हैं क्योंकि पूछू यहीं अकेला और वहाँ कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था तो अभी मैनेजर से बात किए देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मैनेज हो पाता उसने बोला गार्डन पे आप उसको रख सकते हो लेकिन देखते हैं पूछू क्या कर रहा है घर ऐसे टाइम पे पेट्स के साथ यही प्रॉब्लम आती है और बहुत बुरा भी लगता है उसके लिए लेकिन उसको समझ में नहीं आता क्या कैसे मैनेज करें तो देखते हैं उसको मैं और यशु आए हुए हैं टेंशन पुच्चू आ गया है देखो हम आ रहे यशु नीचे आ रहे बिट्टू आ रहे ठीक है आधा घास पे है तो इसको क्या कहते हैं ओली ओली दीदी गेटिंग रेडी फॉर एंगेजमेंट शी इज गोइंग टू चेंज हर आउटफिट हर साड़ी एंड विल वेयर लहंगा मेरे को अपना हेयर स्टाइल इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे ना हटाने की इच्छा नहीं हो रही है आप लोगों को भी अच्छा लगा अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर 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 बताएं तो मुझे अपना हेयर स्टाइल इतना पसंद आया कि मैं इसे अंडू नहीं कर पा रही हूँ रियली लव इट लव इट लव इट लव इट और ये हमारे पूछू ही आ गए फाइनली घर क्या कहते हो हटाऊँ नहीं हटाऊँ
मेरा हो रहा है सिर दर्द, इतने सारे पिंस लगे हुए हैं। फिर से ट्राई करियो। क्यों? अच्छा मत बोलो, नहीं फिर हमारा